जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को दिल से थैंक यू एंड दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि हमारे चैनल पर आज 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो एक स्पेशल वीडियो हम अपनी माँ जी के साथ लाने वाले हैं, तो उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वेटरनरी ऑफिसर का क्या कार्य होता है, जो कि अपने प्रखंड लेवल में, जिला लेवल में कार्यरत रहते हैं। तो वेटरनरी ऑफिसर जो होते हैं वो पशुपालन अधिकारी होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेटरनरी ऑफिसर का मतलब होता है पशुपालन अधिकारी। तो इनका कार्य जो रहता है वो जिला लेवल में और प्रखंड लेवल में कार्यरत रहते हैं। यानी कि जो भी पशु से संबंधित सरकारी डॉक्टर होते हैं तो उनके ऊपर के ये अधिकारी कहलाते हैं। तो इनका कार्य यह रहता है कि जितने भी पशुओं से संबंधित इलाज है और पशुओं से संबंधित बीमारी है तो उन सारे चीज़ों के व्यवस्था करवाने का कार्य करवाना, और इनका सबसे पहला काम जो रहता है तो छोटे मोटे प्राथमिक इलाज के लिए इनका कार्य रहता है कि वो सारे किट को प्रोवाइड करना अपने गांव क्षेत्रों में, अपने जिला के प्रखंडों में। तो ये होता है। दूसरा होता है टीकाकरण। तो टीकाकरण में जैसे कि हम लोग देखें कि कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना में पशुओं को भी क्या दिया गया, कोरोना का टीका दिया गया। तो कोरोना का टीका दिया गया तो पशुओं को सुरक्षित रहने के लिए किसी भी प्रकार से जो भी टीकाकरण आते हैं सरकारी रूप से, तो ये जो वेटरनरी ऑफिसर रहते हैं ये अपने जिला में प्रखंडों को, प्रखंड में जितने भी सारे डॉक्टर हैं उनको प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, या तो प्रखंड में जब वो कार्यरत रहते हैं तब प्रखंड लेवल में जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो भी सरकारी डॉक्टर पशुओं के लिए कार्यरत रहते हैं तो उनका भी लेखा जोखा कि कितना, मतलब आपने ये सारा जाँच पड़ताल किया, कितना इलाज किया, तो ये सारा रिपोर्ट वेटरनरी ऑफिसर के पास जाता है और वो इसका रिपोर्ट लेते हैं। इसका अगला काम है कृत्रिम गर्भाधान और बध्याकरण। तो जो भी कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो भी आवश्यकताएं की चीज़ें हो सकती है, या तो नया नया बदलाव जो भी होता है तो उसके लिए जो भी सरकारी रूप से उसमें किट आते हैं तो वेटरनरी ऑफिसर का काम रहता है कि ये किट को अपने प्रखंड लेवल में, अपने जिला लेवल में प्रोवाइड करवाने का कार्य करना, ताकि मतलब जहाँ पशुओं में और ज़्यादा विकास हो सके और उसमें एक नया बदलाव हो सके। इसके बाद आपका जो बध्याकरण बोले तो जहाँ जहाँ बध्याकरण का जरूरत है तो ये भी होता है। इसके बाद इनका काम है पशुओं से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। तो पशुओं से संबंधित जितने भी सारे सरकारी रूप से योजनाएँ आती है कि पशुओं के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, तो ये सारा चीज़ वेटरनरी ऑफिसर अपने जिला में जितने भी सारे प्रखंड कार्यालय हैं तो उनके लिए प्रोवाइड करवाना, या तो ये प्रखंड लेवल में जो है से प्रचार प्रसार करना, गांव में प्रचार प्रसार करना कि क्या क्या नया चीज़ जो है से पशुओं के लिए आया है, क्या क्या हो सकता है ताकि पशुओं सुरक्षित रह सकें, तो इसके लिए जो है प्रचार प्रसार करने का भी कार्य इनका रहता है। तो इतने सारे कार्य वेटरनरी ऑफिसर के होते हैं जिसको हम लोग पशुपालन अधिकारी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको जरूर से जरूर समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी मेरे लिए कर दीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।